स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो आज मैं आप सबको गोरखपुर महानगर का कैंट रेलवे स्टेशन पर अपडेट देंगे और आपको बताएंगे कि गोरखपुर के कैंट रेलवे स्टेशन को कैसे कितना शानदार टर्मिनल रेलवे स्टेशन जो है बनाया जा रहा है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी गोरखपुर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर अपडेट मिलती रहे। बस अब हम गोरखपुर के कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं और अपना कैंट रेलवे स्टेशन जो है पूरी तरह से जो है बदल चुका है और फाइनली हम आ भी चुके हैं। और आप ये देखिए दोस्तों क्या ही लग रहा है, क्या शानदार बनाया गया इस स्टेशन को। और बता दूं कि इसी रेलवे स्टेशन से जो है लगभग डेली 150 ट्रेनों का जो है आवागमन होता है इस स्टेशन से। और अब ये रेलवे स्टेशन जो है गोरखपुर महानगर का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है बन चुका है। और पहला सबसे बड़ा स्टेशन आप सबको पता ही होगा अपना गोरखपुर जंक्शन, जिसको 500 करोड़ रुपए की लागत से डेवलपमेंट किया जा रहा है। उसके बाद अभी अपना गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन को भी ऑलमोस्ट डेवलपमेंट जो है किया जा चुका है, कुछ काम बस रह गया है। आई थिंक 70 से 80% काम है जो इस स्टेशन का जो ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम अंदर आ चुके हैं और ये रही ये टिकट खिड़कियां हैं, यहाँ से आप टिकट ले सकते हो। काफ़ी स्मार्ट तरीके से इन खिड़कियों को भी बनाया गया है और ठीक इसी टिकट खिड़की के बगल में जो है पूछताछ कार्यालय की भी स्थापना की गई है। और ये और बता दो मैं आप सबको कि काफ़ी शानदार ग्रेनेड का भी यूज़ किया गया है इस प्लेटफॉर्म पर, काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च किए गए हैं और क्या ही मज़ा आ रहा है दोस्तों देखकर। और बता दो कि प्लेटफॉर्म की संख्या जो है अब यहाँ पर भी 5 प्लेटफॉर्म हो चुके हैं और 9 रेलवे ट्रैक जो है यहाँ पर हो चुके हैं। और काफ़ी शानदार लग रहा है दोस्तों यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन। और पिछले 1.5-2 साल से जो है इस स्टेशन पर जो है काम चल रहा था और फाइनली अब काम जो है कंप्लीट होने ही वाला है, यानी कि अप्रोक्स 2-3 महीने का समय अभी भी और लगेगा तब जाकर ये कैंट स्टेशन जो है पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। और उसके बाद पूर्वोत्तर रेलवे के GM साहब आएंगे और यहाँ इसका उद्घाटन भी करेंगे। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों स्टेशन देख करके। हर प्लेटफॉर्म पर जो है टाइल्स का यूज़ किया गया है, टाइल्स मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। और आपको बता दूं कि बहुत जल्द जो है कि यहीं से बहुत सारी ट्रेनें जो है यहीं से बनकर भी चलने वाली हैं और यहीं पर आकर टर्मिनेट भी होंगी। और इस कैंट रेलवे स्टेशन भी जो है ये स्टेशन भी एक तरह से जंक्शन रेलवे स्टेशन भी है, क्योंकि यहाँ से जो है 3 तरफ रेलवे लाइनें जो है गुजरती हैं। एक रेलवे लाइन जो है गोरखपुर लखनऊ चला जाता है और एक रेलवे ट्रैक जो है वो चला जाता है नरकटियागंज मोतिहारी, और एक रेलवे ट्रैक जो है वो चला जाता है देवरिया होते हुए छपरा मुजफ्फरपुर लाइन। यानी कि जो है यहाँ से जो है 3 रेलवे ट्रैक 3 दिशाओं में जाता है और इसलिए भी ये स्टेशन जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन भी है। और इसके आसपास जो है काफ़ी अच्छा लोकेशन है, यहाँ से गोरखपुर का एम्स जो है 1 किलोमीटर की भी दूरी पर नहीं है, महज 500 से 600 मीटर की दूरी पर गोरखपुर का एम्स इस रेलवे स्टेशन से मौजूद है। और एम्स के अलावा एयरपोर्ट की बात की जाए तो इस रेलवे स्टेशन से गोरखपुर एयरपोर्ट की भी दूरी ज़्यादा नहीं है, अप्रोक्स 3 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से गोरखपुर का एयरपोर्ट भी मौजूद है। और इसके आसपास काफ़ी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ भी मौजूद हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियों में गायत्री नगर, नंदा नगर जैसी जो गोरखपुर की बड़ी बड़ी आवासीय कॉलोनियाँ हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पर। और अभी हम आ चुके हैं कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर और काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। इस प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पे जो है ग्रेनेड का यूज जो है ब्राउन पिंक कलर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि प्लेटफॉर्म नंबर 1-2-3 पर जो है ग्रेनेड का यूज जो है ब्लैक कलर का ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया है। और तब तक एक ट्रेन भी आ गई यहाँ पर। और ये स्टेशन पे अक्सर ये देखा जाता है कि जो भी ट्रेनें गोरखपुर जाने वाली हैं वो यहाँ पर रुकती ज़रूर हैं, स्टॉपेज हो या ना हो, लेकिन 90% ट्रेनें जो हैं गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन पर रुकती ही रुकती हैं। और वहीं अभी राइट साइड में आप लोग देख रहे होंगे एक ट्रेन है, वो भी काफ़ी देर से खड़ी है, वो यहाँ से कब जाएगी इसका कुछ पता नहीं है। और यही है प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5, काफ़ी साफ सुथरा चमकता हुआ रेलवे स्टेशन अपना ये गोरखपुर कैंट। अब शहर में गोरखपुर जंक्शन के अलावा और भी जो भी रेलवे स्टेशन है शहर में जो मौजूद हैं उनका भी जो है रीडेवलपमेंट जो है काफ़ी तेज़ी के साथ किया गया है। ये जो ट्रेन है ये आम्रपाली एक्सप्रेस है जो कि यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी हो रही है।
और आप सबको एक खबर मैं और दे दूं कि प्रेजेंट टाइम में रेलवे क्रॉसिंग को पार करके ही लोग इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं, लेकिन बहुत जल्द जो है एक नया रास्ता जो है बनने वाला है, उसका अप्रूवल ऑलरेडी चहर तरफ से मिल चुका है और वो उस रास्ता जो है प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ से ही निकलेगा और वो सीधा गोरखपुर एम्स वाले रोड में जा कर के मिल जाएगा। और इसको लेकर जो है रक्षा मंत्रालय से भी हरी झंडी मिल चुकी है, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 5 के बगल में गोरखा रेजिमेंट की ज़मीन है और काफ़ी समय से, आई थिंक 3-4 साल से जो है डिमांड किया जा रहा था ज़मीन देने के लिए, और फाइनली अब रक्षा मंत्रालय से भी हरी झंडी मिल चुकी है और बहुत जल्द उसका भी काम जो है स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद अपना कैंट रेलवे स्टेशन जो है सीधा सीधा एम्स वाले रोड से जुड़ जाएगा और जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है और उनको रेलवे क्रॉसिंग भी पार नहीं करना पड़ेगा। और एक और ऑप्शन जो है बनाया गया है, वो ऑप्शन ये है कि अपने इस कैंट रेलवे का जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर एक शानदार फ्लाईओवर का भी प्रपोजल बनाकर भेजा गया है और उसकी भी हरी झंडी जैसे मिलेगी उसका भी काम स्टार्ट होने वाला है। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से अपने गोरखपुर कैंट का जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर एल शेप में फ्लाईओवर बनाने की योजना है, यानी कि वो जो फ्लाईओवर का जो शेप होगा वो एल शेप में होगा और बहुत जल्द उसका भी स्वीकृति जैसे मिलेगा उसका भी काम जो स्टार्ट होने वाला है। और ये जो आप देख रहे हो ये कैंट रेलवे स्टेशन का अलग से यार्ड बनाया गया है, यानी कि जो ट्रेनें गोरखपुर में टर्मिनेट होंगी उनको प्लेटफॉर्म से हटा करके उनको उस यार्ड में जाकर रख दिया जाएगा, फिर जब यहाँ से जब ट्रेन को बनकर चलना होगा तो फिर वहाँ से उस ट्रेन को वापस से प्लेटफॉर्म में लेकर आ जाया जाएगा। इसीलिए बगल में यार्ड भी बनाया गया है काफ़ी बड़ा। और फाइनली अब शहरवासियों को एक और रेलवे स्टेशन का जो है अब तोहफा मिलने वाला है और काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर भी बहुत सारी ट्रेनों के जो है स्टॉपेज भी यहाँ पर होने वाले हैं और जिससे शहरवासियों को अब गोरखपुर जंक्शन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसको लेकर रेलवे की तरफ से काफ़ी अच्छी सौगात होगी गोरखपुरवासियों के लिए। और फाइनली यही था अपना गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन और अब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान भी हो जाएगा क्योंकि कैंट रेलवे स्टेशन के आसपास दर्जनों भर बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं, तो इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि अब उनको गोरखपुर जंक्शन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि गोरखपुर कैंट से गोरखपुर जंक्शन अगर आप बाई रोड जाते हैं तो 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, तो ये सब चीज़ें अब लोगों को नहीं करनी पड़ेंगी, अब इसी स्टेशन से लोगों को जो है ट्रेन मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में फिर किसी नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ।